नमस्कार, स्वागत है आपका लिव टू इंस्पायर के नए एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी। आज हम बात करेंगे वन पैरा एसएफ मेजर मोहित शर्मा जी के बारे में। तो इनका जन्म 13 जनवरी 1969 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग होली एंजल्स के बाद डीपीएस गाजियाबाद से पूरी की थी। क्लास 12th में इन्होंने एनडी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिसके बाद इन द ईयर 1995 इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया और इन्होंने अपने एनडीए के कोर्स में एक्सेलेंस और परफेक्शन की मदद से मोस्ट एक्सेलेंट कैडेट का अवार्ड भी जीता, जिसमें इन्होंने सबसे पहले हॉर्स राइडिंग चैम्पियनशिप जीती, उसके बाद बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती, फिर बेस्ट स्विमर का भी खिताब इन्हीं को मिला। बाद में इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की बटालियन कैडेट एक्सेलेंस के लिए। मिलिट्री कैरियर इनका शुरू होता है 11 दिसंबर 1999 को, जब ये पास आउट हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इनकी कमीशन हुई थी 5 मद्रास रेजिमेंट में। इनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी छोड़ने के 3 साल बाद ही सर्विस के दौरान 2002 में गैलेंट्री अवार्ड मिल गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है सिर्फ 3 साल में गैलेंट्री अवार्ड हासिल करना। हर एक परिवार की तरह इनके परिवार का भी यही सपना था कि हमारा बेटा जो है ऐसी रेजिमेंट में ना रहे जिनको खतरा ज़्यादा होता है, हमारा बेटा ऐसी रेजिमेंट में रहे जहाँ पे खतरा बहुत कम हो। लेकिन मेजर मोहित शर्मा बिल्कुल इसे अलग सोचते थे और वो आर्मी की पैरा एसएफ ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि सबसे घातक प्लाटून होती है इंडियन आर्मी की। और देखते ही देखते जून 2003 को उन्होंने वन पैरा एसएफ को ज्वाइन किया। अपने एक्शन और एडवेंचर से भरे काम वो पसंद करते थे। उन्होंने ओवर्ट ऑपरेशन जो कि खुले में किए जाते हैं और कोवर्ट ऑपरेशन जो अंडरकवर होके किए जाते हैं भेस बदल के, उस दोनों में वो माहिर थे। उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया कश्मीर में। अक्टूबर 2009 में उन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो कि एक बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑपरेशन था। उस टाइम हिजबुल कमांडर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे कश्मीर में इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए, सीआरपीएफ और जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है उनके ऊपर, इंडियन इंटेलिजेंस की मदद से इन्होंने अपना नाम चेंज करके इफ्तिकार भट्ट रख लिया। बाद में इन्होंने लंबी दाढ़ी और मूंछ रख ली कि ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि मैं कश्मीर का ही लोकल हूँ, और ये ऐसा करने में भी कामयाब हुए। इन्हें मौका मिला हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से मिलने का, जो कि कश्मीर में जितनी भी आतंकी गतिविधियां होती थी उसकी देखरेख करता था और उनकी प्लानिंग भी वहीं करता था। तो इन्होंने उसे बताया कि इंडियन आर्मी ने इनके भाई को मार दिया था, तो ये इंडियन आर्मी से उसका बदला लेना चाहते थे। ये करके इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ रहना शुरू कर दिया और उनके मनसूबे ये जानते थे और क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये भी। बाद में एक हिजबुल मुजाहिदीन का ग्रुप था जिसमें 5 लोग थे और मेजर मोहित शर्मा जी को भी उसमें शामिल किया गया इफ्तिकार भट्ट के नाम से, क्योंकि इन्होंने अपना नाम इसलिए बदला था ताकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। जब एक बार ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा पे जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे उन्हें शक हुआ कि इस आदमी को इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे है इन सब चीज़ों के बारे में, जिसकी नॉलेज हमें भी बहुत बार नहीं होती। तो एक बार मेजर मोहित शर्मा पे जब इन्हें शक हुआ तो मेजर मोहित शर्मा खुल के इनके सामने आए और मेजर मोहित शर्मा जी ने कहा कि तुमको अगर मुझ पर शक है तो मुझे मार दो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से राइफल पकड़ी और कहा कि लो मुझे मार दो। उन्होंने ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से बोली थी कि अगले आदमियों को उन पर शक नहीं हुआ, उन्हें लगा कि ये बहुत सही है। लेकिन वो थोड़ा पीछे गए और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन्होंने 2 गोलियां 9mm की पिस्टल से दोनों आतंकवादी को मार गिराया, 2 गोलियां चेस्ट में और 1 सर पे मारी। उसके बाद वो पास वाले आर्मी कैंप में पहुंच गए और बाद में भी उन्होंने ऐसे कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और एक ऑपरेशन के दौरान 21 मार्च 2009 को वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए। सिर्फ 31 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ कर गुजरने का जज्बा था उनमें और उन्होंने करके दिखाया। बाद में उनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, वीर कभी मरते नहीं।
ना ही कभी वीरगति को प्राप्त होते हैं और वो लोग इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहते हैं। बलिदान परम धर्म।